उनराव समाज के लोगों ने माघ पूर्णिमा जतरा महोत्सव मूली पहड़ा बरही क्षेत्र में धूमधाम से मनाया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अंबिकापुर से आए रामनाथ भगत रहे, जिनका उनराव समाज के लोगों ने फूलमालाओं और मांदर की थाप से भव्य स्वागत किया। राजेंद्र भगत की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंगल उराव, उमेश भगत, उमेश प्रधान उराव, तपेश्वर भगत, बुलंजू राम, बंदेश्वर भगत सहित समाज के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने अपने उद्बोधन में उराव समाज के उत्थान की बात कही और साथ ही प्राचीन काल से लेकर आज के समय में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, न्यायिक एवं प्रशासनिक, जिसको पढ़ा व्यवस्था कहा जाता है, उसके बारे में लोगों को समझाया। देखिए, ये मूली पढ़ा बरही क्षेत्र का जो है इस पावन भूमि में ये पढ़ा जत्रा की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पे हमारा ये कार्यक्रम है और इसके माध्यम से हम समाज के उत्थान के लिए, क्योंकि आज समाज किसी भी समाज के लिए सामाजिक एकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है, हमारी ये प्रयास है कि इस कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से हम समाज को संगठित कर पाएँ और आगे जो है समाज को विकसित करें। शासन की ओर से चूंकि शासन की जो प्रावधान है हमारे लोगों को उसकी भी जानकारी नहीं है, पूरे जीते जी भर अंतिम सांस तक। चलिए, धन्यवाद। हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग का ये माघ पूर्णिमा प्राचीन काल से मनाते आ रहे हैं और यह गाँव समाज के लिए गौरव की बात है। पूरा समाज का माघ का महीना मतलब एक नए साल की शुरुआत होती है। पहले पूर्वज लोग, हमारे लोग नौकर रखा करते थे, ये माघ से ही नौकर को या तो उनका बाहर कर देते हैं, उसी दिन से नया शुरुआत होता था। पहले हम लोग इसी प्रकार का गांव-गांव में गठन करके, गांव का गठन मतलब गांव हम लोग का जैसे सरकार चलता है गांव में, तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक में तो ब्लॉक पंचायत, जिला में तो जिला पंचायत, प्रदेश में प्रदेश और देश में राष्ट्र स्तर का। इसी प्रकार हम लोग पांच व्यवस्था है, राजी पढ़ा, पादा पढ़ा और मूली पढ़ा, डाड़ा पढ़ा, अधा पढ़ा, ये गांव का जो है ना डाड़ा पढ़ा के स्तर माता है और ये प्रत्येक गांव में इसका अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष चुना जाता है, उसको हम लोग पूरा भाषा में बेल, दीवान, कोटवार, कर्ठा बोलते हैं। कुसमी से जसीम खान की रिपोर्ट।